नमस्कार, मैं स्वाति और आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। रीवा जिले के गढ़ थाना क्षेत्र में विगत वर्ष पूर्व एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिस पर गढ़ पुलिस ने कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। लगातार एक वर्ष तक जेल में बंद रहने के बाद आरोपी रीवा न्यायालय से बरी हो गया है। हम आपको बता दें कि अधिवक्ता राजेंद्र मिश्रा ने आरोपी की तरफ से पैरवी की थी। उनके द्वारा बताया गया कि नाबालिग पीड़िता ने गढ़ थाने में दुष्कर्म की शिकायत दर्ज करवाई थी, जिस पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित 376 SC/ST का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था और वहीं पीड़िता का मेडिकल परीक्षण भी कराया गया था। आइए सुनते हैं पूरे मामले पर अधिवक्ता का क्या कुछ कहना है। देखना उधर हमारी तरफ से कैमरे से देखना। चलो, एक आरोपी 376 और SC/ST के मामले में बरी हुआ है, क्या मामला है? मामला ये गांव धारा विभा गढ़ थाने का है, जिसका जो है SDOP मनगवा के द्वारा विवेचना की गई थी, जो कि धारा 376, 363, 366, पास्को एक्ट 5/6 एवं SC/ST एक्ट के तहत ये अभियोजन की ओर से दावा श्रीमती कंचन गुप्ता इस विशेष न्यायाधीश के यहाँ पेश किया गया था, और जिसमें कि जो अभियुक्ति थी माइनर थी और उसके द्वारा ये न्यायालय में कहा गया था कि मेरे साथ कोई घटना नहीं हुई है, न कोई आरोपी के द्वारा किया गया है। इसके बावजूद उसके खिलाफ DNA रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई और ब्लड टेस्ट में भी ये पाया गया कि इन्हीं का सिम्टम्स मिल रहे हैं। ऐसी स्थिति में मैंने ये बात न्यायालय के समक्ष रखी कि जब उसके साथ कोई घटना हुई नहीं तो ये DNA रिपोर्ट कैसे आ गई, इसका मतलब है कि DNA रिपोर्ट में भी गड़बड़ी हो सकती है। और इन सब दलीलों को सुनने के बाद माननीय न्यायाधीश श्रीमती कंचन गुप्ता विशेष न्यायाधीश द्वारा प्रोसिक्यूशन को के विवेचना में के दौरान दिए गए साक्ष्यों को न मान असफल मानते हुए प्रोसिक्यूशन सफल न होने के कारण उन्होंने हमारे आरोपी को बेइज्जत बरी किया है, और ये 25 जनवरी 2024 को निर्णय माननीय न्यायालय से। आरोपी कितने दिन जेल में रहा? आरोपी करीब इसमें एक साल जेल में था और इसकी जमानत बाद में एक साल बाद हुई, जो कि बाद में न्यायालय में केस चला और इसमें सभी साक्ष्य आए इस दौरान, और इसका कुल मिला करके न्यायाधीश ये बात हमारी दलीलों पर संतुष्ट रहीं और हमारी दलीलों को मानते हुए प्रोसिक्यूशन को असफल साक्ष्य को मानते हुए उन्होंने उसको बेइज्जत बरी किया। पैरवी कौन कर रहे थे आरोपी की तरफ से? पैरवी मैं राजेंद्र कुमार मिश्रा एडवोकेट रीवा इस प्रकरण की पैरवी कर रहे थे, और प्रोसिक्यूशन की तरफ से रवीन सिंह जी कर रहे थे।